फादर का होना ऐसा होता है कि जब जिंदगी में अगर कोई सिचुएशन बन और हमेशा पापा की कमी खलती है लाइफ में। जो सुबह मैं कह रही थी ना, जिसे पापा की याद आ गई, ये था। और देख सकते हो मेरी पापा की इतनी मस्त हैंडराइटिंग थी ना हमारे। सो गाइस, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि मेरे इतनी जल्दी आंसू। और खेत में आजकल थोड़ा रुपाई का काम चल रहा है, जो सीमी वगैरह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8 बजे से। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी व्लॉग पर। तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ दूध पहुँचाने, मम्मी भी आ रही है ऊपर तक। तो अभी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह थे मम्मी को, कुछ पता नहीं क्या है का फॉर्म है, वहाँ साइन वगैरह करने थे कह रहे थे। तो तभी मम्मी भी जा रही है ऊपर गांव में। तो सुबह सुबह ना आज थोड़ा मन एकदम इमोशनल हो गया। अभी कुछ ऐसे कुछ आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटो कॉपी ढूंढ रहे थे, वहीं पर ना मेरे पापा की हैंड राइटिंग देखी मैंने। तो एक पेज था उसमें लिखा था, मतलब अकाउंट नंबर, आइडिया नंबर और लोगों के फ़ोन नंबर लिखे थे मेरे पापा ने। तो उस हैंड राइटिंग को देख के ना पापा की याद आ गई। फिर सोच रही हूँ कि पापा ने भी ये मतलब कल को काम आएंगे करके किसी के नंबर लिखे होंगे ये होंगे। तो सुबह सुबह पापा की याद आ गई और एकदम मन उदास हो गया। उस टाइम तो रोना भी आ गया था कि पता नहीं भगवान ने हमारी खुशियाँ इतनी जल्दी क्यों छीन ली, तो हमारे सर से पापा का प्यार क्यों छीन लिया इतनी जल्दी। तो आज पापा को फादर का होना ऐसा होता है कि जब जिंदगी में अगर कोई सिचुएशन बन जाए जो बहुत चीज़ें अलग होती हैं। किस्मत वाले हैं वो जिनके माँ बाप से हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब अपने फैमिली में अपने बड़ों का साथ ना हो तो। और बहुत ही छोटी उम्र में हमारे पापा का साया, और हमेशा पापा की कमी खलती है लाइफ में। लेकिन बस लाइफ है तो आगे बढ़ते रहना पड़ता है पुरानी चीज़ों को भूल के। लेकिन काश अभी पापा का साथ होता हमारे पास, काश हमारे पापा का प्यार दुलार और साथ होता हमारे साथ। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ झपत्ता, जल्दी जल्दी मैं दूध तोला हमने मम्मी और मैं दोनों ने। थोड़ा बरसात का टाइम हो गया तो दूध बढ़ने लग गया है। मुझे लग गया था गाड़ी चलेगी, लेकिन बट अभी आजकल थोड़ा लेट आ रही है गाड़ी, तभी थोड़ा सही हो रहा है, नहीं तो मुझे किंतोली जाना पड़ता। यहाँ रुतमानी के ड्रम, तो इसमें पलटाएंगे हम सारा दूध। मुझे लग रहा है आज एक्स्ट्रा दूध है तो ये किंतोली में ही भिजवाना पड़ेगा। और बारिश भी आने लगी है, आज सुबह बड़ी ख़तरनाक वाली बारिश आई थी। वैसे भी आज बारिश बताई है बलवा हाँ से। दूध पलटाने का ना सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि दूध भीगने का डर लगता है। दूध पलटा दिया है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि इसमें फुल हो गया है, ये इसमें आएगा नहीं। तो जल्दी जल्दी मैं ना दूध के जर्किन धो के आती हूँ, क्योंकि ना बारिश वाला मौसम हो रखा है। देख सकते हो सब जगह कोहरा कोहरा लगा है, और सुबह भी बारिश आई थी, अभी थोड़ी देर रुक गई, उतना ही बहुत हुआ। देख सकते हो सुबह सुबह गाड़ियाँ जाने लगी है यहाँ से लोहाघाट की ओर सवारी भरते हुए। हम लोग आ गए दुकान में, तमाम लूट मार लेके गए हैं आज दुकान को। लूट मारते हैं और 3 रुपए के लिए नहीं बता रहा कुंजन आ जाए भले। तो गाइज, मैं आई थी दुकान में, यहाँ पर हमारा रोज उधार उधार लेके ना आज हिसाब किताब भी करना था। मम्मी चलेगी आगे, पोखरी जा रही है मम्मी लूट मार लेके। मम्मा रुके। तो मैंने ले ली है चॉकलेट, ये वाली बहुत टेस्टी होती है नारियल वाली, पहले बचपन में खाते थे, आज लेके आ गई हूँ। मम्मी लूट मार खा रही है, दिखा
दो पकड़ा। तो गाइस ये लोग तो चावल वावल कूट रहे। बाय बाय जा रही हूँ मैं तो। ये लोग देखो यहाँ पर ना, मैं आपको क्या दिखा रहा, तुमको थोड़ा ना देखा। तो गाइस ये लोग चावल वावल कूट रहे, पता नहीं इनके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं। यहाँ पर गांव में तो अच्छा रहता है क्योंकि सब लोग हेलो गोट गड़ाई हो रही है। वो तो मैंने टप पकड़ा है को। अच्छा गोट ना करनी क्या? मेरा यह हाल है यार, मिल ले तो भी जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों गांव में मतलब कभी कोई आते रहते हैं, सब लोग इकट्ठा काम वगैरह करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी देर उनके साथ बैठ के आई तो अब चलती हूँ मैं सीधे घर को। दोस्तों अभी घर पहुँची, घर पहुँचने के बाद ना थोड़ी देर में आराम कर रही थी, थकान लग गई थी, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और फिर से आ गई है बारिश। दोस्तों अभी एकदम से आ गई है मूसलाधार वाली बारिश और सामने वाली ना यहाँ पर तो बारिश आ रही है और कोट वाली पहाड़ी पे धूप आई है। ये दो पहाड़ी में बारिश है और सबसे लास्ट वाली पहाड़ी में देख सकते हो वाइट कलर की दिख रही है वहाँ पर धूप। दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ खेत में और मम्मी अभी ग्वाला गई है, वहीं पर झाड़ियाँ भी काट रही है और खेत में कल तो आजकल थोड़ा रुपाई का काम चल रहा है, जो सीमी वगैरह है हमारी। यहाँ पर हम बो रहे हैं फ्रेश बीन, जो पतली लंबी वाली फ्रेश बीन होती है इसके बेल होते हैं, देख सकते हो बहुत लंबी होती है ये। तो मम्मी बोल रही थी इन्हीं में ये हत्ते घटे हैं इनके, इन्हीं में और बोदे करके, क्योंकि ये पूरे हत्ते हमने घटे हैं और इनमें एक एक ही पौधा हो रखा है, तो इसी के किनारे किनारे और बो देती हूँ कि बेल इनमें अच्छी तरह जाए। तो बारिश के कारण ना ये वाली बीन से ना हमारी भीग गई थी, जो अंकुरित भी हो रखे हैं देख सकते हो, अंकुरित हो गए, सूखने भी लग गए हैं। इनको हम पहले ना बोलते थे श्याप वाली सीमी, मतलब और ये गुंजन यहाँ पर खेल रही है, मेरे को परेशान कर रही है। अब अरे इसको लगी है यार, मम्मी दर्द हो रहा है, गुच्छा आ रहा है गुंजन का। दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ इधर धार में, जहाँ पर कल मैं लोबिया बो रही थी। लोबिया तो नीचे साइड लगा दी, अभी इन खेतों में लगानी है जो मम्मी ने कल ही खोदे हैं। तो लोबिया थोड़ी बहुत बची हुई थी कल की, तो इतनी सी बची है, जहाँ जहाँ तक होती है वहाँ तक करती हूँ। तो मैंने इस खेत में बोई है कि नहीं मेरे को याद ही नहीं था, कल शाम को आई तो अभी ना मैंने यहाँ पर उखाड़ के देखा तो मतलब खोदा तो, क्योंकि किनारे किनारे बोते हैं, इनके अंदर से बीज दिखाई दे रहे हैं, तो इस वाले खेत में तो मैंने लगाया है, आपको भी दिखा दो अगर दिखे तो। नहीं दिख रही है गाइज, ये देखो ये दिख गया है लोबिया कल लगाया हुआ। तो अब मैं ऊपर वाले किनारे किनारे लगा देती हूँ जितनी है, और अभी पहले तो कुछ देर पहले तो धूप थी, बारिश थी, और अभी इतनी कड़कती वाली धूप लग रही है तो कुछ भी सहन करना ना मुश्किल होता है, ना धूप सहन हो पा रही है ना बारिश। लोबिया सारी खेतों में तो नहीं हुई, इस वाली खेत में भी ना यहीं तक हुई, इस वाले किनारे उस वाले वहाँ तक, अभी वो वाला खेत बाकी है। तो अगर घर में और होगी तो देखती हूँ, जितनी कल बची थी वो तो सारी मैंने कंप्लीट कर दी है। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, हमारा अभी दोपहर का खाना बन रहा है चूल्हे में, देख सकते हो आग वाले चूल्हे में भी बन रहा है, तो भूख भी लगने लग गई है। सो गाइस, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि मेरे इतनी जल्दी आंसू आ जाते हैं। जैसे मैं खाना बना रही थी, मेरे को आंखें नहीं खुल रही है मेरी अभी, क्योंकि ना मैं प्याज काट रही थी, प्याज काटते काटते मेरे आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं ना, खतरनाक ही होता है मेरे लिए, एक प्याज काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, देख सकते हो मेरी हालत। प्याज काटने का बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे, आप लोगों को भी होता है कि इसी प्याज काटने का दुख, किसी किसी को के तो बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाबरे मेरी तो एक की में हालत खराब हो जाती है। तो खाना तो बन गया है
और अभी मैं बाय बछड़ों के लिए ना पानी ले जा रही हूँ, क्योंकि वो ऊपर खोल रखे हैं, उन्होंने पानी नहीं पिया है। इसको इतनी प्यास लगी है, देखो ऐसे पी रहा है, और ऊपर है बछड़ा। अभी तक मम्मी ने चंदू को बांधा था और बछड़े दूसरे वाले जो बछड़ा है उसको खोल रखा था। अब इसको खोलना है और उसको बांधना है, मतलब शिफ्टी करनी है दोनों की। तो अभी बछड़ा भी पानी पीने लग गया है, ये चरने लग गया, तो उसको ना उसको मैं हथकड़ी से बांध देती हूँ। उसी के साथ मैं आ गई हूँ गाय को लेने के लिए। गाय थोड़ी देर खोली थी, अभी तक मम्मी गाला आई थी। तो यहाँ से पी रहे हैं ये लोग पानी, अमृत अमृत। हमारे गाय भी और बछड़े भी दोनों सेम सेम ही हो रखे हैं। कुछ तो दोपहर का भोजन कर लिया हमने, और मम्मी चूल्हा चौका, मतलब चूल्हा मैंने वो किया और झाड़ू वाड़ू लगाया, साफ सफाई की, मम्मी बर्तन वगैरह धो रही है, मतलब चूल्हा चौकी दोनों माँ बेटी ने मिलके किया। तो जो सुबह मैं कह रही थी ना, जिसे पापा की याद आ गई, ये था। और देख सकते हो मेरी पापा की इतनी मस्त हैंडराइटिंग थी ना, हमारे फैमिली में ना सबसे अच्छी हैंडराइटिंग थी इनकी। और ये मिले उनके, उन्होंने जो भी नंबर वगैरह लिखे थे देख सकते हो, तो ये देख सकते हो मेरे पापा जी की इतनी मस्त, मतलब बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग थी हमारी सबसे अच्छी फैमिली में। और उसके बाद पापा की एक फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मिली, मतलब मेरे पापा ना मतलब हर चीज़ डॉक्यूमेंट के, हर मतलब जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, 5-5, 6-6 या 10-10 फ़ोटोकॉपी रखे रहते थे, क्योंकि ओरिजिनल खोने का डर रहता था। वो हर काम को ना एकदम। दोस्तों अभी शाम की चाय पी लें। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, मैं थोड़ी देर सिलाई करने का सोच रही थी, बट ना उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने सीखी नहीं है इतनी कुछ। और यहाँ पर टाइम पहाड़ों में मिलता का है, तो अभी घास बनाना है, तो मैं दराती लेके आ गई हूँ। मतलब इतना दिमाग ख़राब होता है ना सिलाई में, क्योंकि मैंने एक तो सीखी नहीं है अच्छे से, उसके बाद कभी प्रैक्टिस की नहीं है। थोड़ी देर सीखने की कुछ कोशिश करती हूँ तो 4-5 घंटे ऐसे लग ही जाते हैं मेरे। एक दिन मैं ट्राई कर रही थी, या तो रोज़ रोज़ टाइम दूँ, और पहाड़ों में काम रहता है, किस टाइम कुछ तो नहीं हो पाती। अब देखती हूँ क्या होता है, सिलाई कर पाती हूँ या नहीं। तो अपने आज के ब्लॉग की समाप्ति भी मैं यहीं करती हूँ। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं जाती हूँ अभी गाय के लिए घास बनाने, फिर मिलूंगी मैं ऐसे अगले नए ब्लॉग के साथ, पहाड़ी कल्चर के साथ। अब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में व्यस्त रहिए। बाय दोस्तों, अभी मौसम खराब होने लगती है।